तो सही, अरे सुनिए तो सही, कॉर्डियल क्रूज जहाज, जब जहाज जहाँ जिस समुद्री तट पर है तो क्या वहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, जांच पड़ताल नहीं हो रही थी? तो उस जहाज में जब 1000 से अधिक आदमी थे तो क्या अकेला वो शाहरुख खान का बेटा ही था? वो केपी घोसावी और भानुशाली को पता था कि ये उनके दोस्त हैं, ये वही चीज़ हैं? ये एक बहुत बड़ा, अरे सुनिए ना, आप उस पर काहे नहीं बोलते? आप भारतीय कॉमेडियन का पति और इसको कैसे जमानत मिल गई? कंगना, इसका आपने सुना होगा ना, रणबीर कपूर, दीपिका वगैरह सबका, कंगना वगैरह का, कई फिल्म सेलिब्रिटी थे, जिसने स्वीकार किया था तो उसको क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये मुदेखल पंचायती कहते हैं मुख्य। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। पंकज जी, आजकल गांधी जी के इस देश में जगह जगह सावरकर जी की मूर्तियां लगी हैं, पोस्टर लगे हैं। सवाल है कि गांधी और बुद्ध के देश में जो लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते थे, आज उसकी आइडियोलॉजी वाली सरकार जब से सत्ता में बैठी है वो लगातार गांधी को गालियां दे रही है और गोडसे की पूजा करती है, सुभाष चंद्र बोस का अपमान करती है और सावरकर का महिमा मंडन करती है। यह सवाल पूछता है उन लोगों से कि देश के इतिहास को, देश के कल्चर को क्यों बदलने की कोशिश की जा रही है, आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी? तो मतलब साफ है कि जब इन लोगों ने, यानी कि सत्ताधारी दल के इन लोगों ने, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, या देश में जो किसानों के ऊपर घटनाएं घटित हुई, उन सभी मुद्दों को ढकने के लिए ये एक नया शगुफा छोड़ा है कि सावरकर। सवाल उठता है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश की आवाम को समझने की ज़रूरत है। जी न्यूज़ में एक दिन प्रोग्राम चल रहा था, अमन चोपड़ा जी का शो चल रहा था, उसमें तनवीर अहमद JDS के थे, कपिल कुमार इतिहासकार थे, महेश तिवारी शिवसेना से थे, संगीत रागी जो RSS समर्थक हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर बैठे थे, अब्दुल रजाक खान भी बैठे थे, लोग जो देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खून बहाए हैं, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, जिन्होंने अपने घर परिवार बर्बाद कर देश को बनाया है, जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग कर रहे हैं। समझिए, सवाल उठता है कि सावरकर है कौन? ये माफी वीर, डरपोक, कायर, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर का नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर, इनके पत्नी का नाम यमुनाबाई, इनकी बहन का नाम नैनाबाई, इनकी माँ का नाम राधाबाई, इनके दो पुत्र थे गणेश उर्फ बाबा राव और दूसरा पुत्र नारायण दामोदर। इनका जन्म नासिक, यानी जो उस समय के तत्कालीन बंबई प्रेसिडेंसी था, वहाँ इनका जन्म हुआ। ये संगठन चलाते थे मित्र मेला के नाम से, जो बाद में अभिनव भारत के नाम से प्रचलित हुआ। ये नास्तिक थे, ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर हिंदू महासभा इनको अपना आइडियोलॉजी क्यों मानता है? एक नास्तिक जो भगवान पर भरोसा नहीं करता, जो धर्म पर भरोसा नहीं करता, उसे नास्तिक कहते हैं। 1906 में ये लंदन चले गए। 1906 में जब वकालत करने के लिए लंदन गए तो वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात इंडिया हाउस में हुई, जहाँ सावरकर जी झींगे मछली तर रहे थे। जब उन्होंने गांधी जी को कहा खाने के लिए तो उन्होंने, वो मछली नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते थे, तो सावरकर जी ने कहा कि बगैर गोश्त और मछली का आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ोगे? उन्होंने मजाक उड़ाया था। सबसे बड़ी बात, सवाल उठता है कि द RSS आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं कि माफी वीर सावरकर ने गांधी जी को जब खाने की दावत दी
तो गांधी जी ने चूंकि मांसाहारी नहीं खाते थे उन्होंने मना किया, तो मजाक उड़ाया था इन्होंने। 13 मार्च 1910 को जब ये लंदन से भारत भेजे जा रहे थे फ्रांसीसी जहाज में, तो फ्रांस के मार्सिलेस पहुंचा ही था कि वो भागने की कोशिश किए और उनका ये जो असफल प्रयास था फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 1910 में माफीवीर सावरकर, डरपोक सावरकर, कायर सावरकर को नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त संख्या 32,778, 13.5 गुना 13.5 का जो कमरा था, जो सेलुलर जेल का 52 नंबर का कोठरी था, उसमें सावरकर को रखा गया था। पहले गोरे अंग्रेज क्या करते थे, जो देश के आंदोलनकारी थे, तो अंग्रेजी अफसर बग्घी में घोड़े की जगह कैदियों को घुमाया करते थे, उनको कुनैन और पीनियल सूप दी जाती थी, गालियां दी जाती थी। सावरकर को 50 साल की जेल की सजा थी, उम्र कैद की सजा थी। 11 जुलाई 1911 को सावरकर ने चिट्ठी लिखी, फिर 29 अगस्त 1911 को जब पहली चिट्ठी लिखी, तो 1913 में इन्होंने एक दया याचिका दाखिल की गोरे अंग्रेजों के यहाँ कि हजूर, हजूर किसको कहा, गोरे अंग्रेजों को कहा कि हजूर मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि 1911 में भेजी गई मेरी दया याचिका पर पुनर्विचार किया जाए, जैसा कि 1906 और 1907 की नाउमेदी और उत्तेजना से भरे वातावरण ने हमें शांति और तरक्की के रास्ते से भटका दिया था। माफीवीर सावरकर अपनी दया याचिका में साफ साफ लिखता है कि हमें माफ अगर अंग्रेजी हुकूमत करती है तो मैं संविधानवादी विकास का हिस्सा बनूंगा। यह सिलसिला साल दर साल चलता रहा। 1911 के बाद 1913, 1914, 1918, 1920 अगर बात की जाए वीर सावरकर की, अगर वीर सावरकर वीर कैसे हुआ बताइए ना, आज़ादी की लड़ाई में अगर उसका कोई योगदान था तब तो आप वीर कहिएगा, जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो गया वीर। कहा तो वीर सावरकर ही जाता है। अरे भैया कौन लोग, आप सुनिए ना, हिस्ट्री में लिखा, अरे आप रावण को कल राम से तुलना कर दीजिएगा तो हम मान लेंगे, रावण राक्षस था। अब आप इतिहास अरे सुन की बात कर रहे हैं, वही बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप सावरकर आज़ादी की लड़ाई में सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई योगदान नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था, उसके एवज में गार्ड की नियुक्ति हुई थी। वहीं आजकल बड़े बड़े चैनल स्ट्रीम मीडिया में बहुत बात, कौन है स्ट्रीम मीडिया भैया, ये सब के सब दलाली कर रहे, इनको राज्यसभा में जाना है, जैसे सुभाष चंद्र राज्यसभा में गया जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, इसको भी अर्नब गोस्वामी की तरह जाना है, सब लाइन में लगे हैं, रास्ता चाहे कुछ भी हो हमें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है। आप पूरी बात समझिए कि जब उन्होंने 29 अगस्त उसके बाद जब 1911, 13, 14, 18, 20 को जब उन्होंने चिट्ठी लिखी, कुल 6 बार चिट्ठी लिखी, उसके बाद इनको 30 मई और 31 मई को 1919 में अपने भाई और पत्नी से मिलने की इजाज़त मिली। 2 मई 1921 को अंडमान जेल से महाराष्ट्र के रत्नागिरी की जेल, फिर यरबदा सेंट्रल जेल स्थानांतरित किया गया। 9 साल में कुल 6 बार इन्होंने माफ़ी मांगी। वीरेंद्र घोष जी भी ने अपनी किताब में लिखा है कि सावरकर से जब लोग कहते थे अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने की बात, तो सबको आगे करके ये पीछे भाग जाते थे। सबसे रोचक बात ये था कि जेल में जो कैदी होते थे उनका वज़न हर 15 दिन पर होता था, इनका वज़न 112 पाउंड था जो मात्र 15 दिन में बढ़कर 126 पाउंड हो गया। रेजिनाल्ड को अपना 4th माफ़ीनामा इन्होंने दिया था। माफ़ी भी डरपोक कायर सावरकर ने वायसराय लिनिथ को के साथ लिखित समझौता किया कि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे और रत्नागिरी जिले के कलेक्टर के बगैर आदेश के हम बाहर नहीं जाएंगे। 6 जनवरी 1924 को 3 शर्तों के साथ
सावरकर को रिहा किया गया। गांधी नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान इन तीनों का विरोध करेंगे। तब से आज तक ये लोग देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये गोरे अंग्रेजों ने, ये बात सुनिए क्या, दया याचिका लगाना कोई गलत थोड़ी ना, संविधान में भी दया। अरे भैया, भगत सिंह दया याचिका क्यों नहीं लगाई? 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेल्लोर जेल में थे, सावरकर ही क्यों लगाए? और 60 रुपया रंगदारी मांग रहा था सावरकर गोरे अंग्रेज से, कि रिश्तेदारी था, जीजा और फूफा लगता है सावरकर का गोरे अंग्रेज, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। आप बताइए ना, आप हमको, देश के जितने क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, 60 रुपया महीना पेंशन चट नहीं किया। ये लोग देशद्रोही लोग, ये लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिर लोगों ने मांगी, तो फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या लिखा कि उत्तेजना के वातावरण में देश की आज़ादी की लड़ाई में हमने भाग लिया, अगर अंग्रेजी हुकूमत हमें माफ़ करती है तो हम किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। उस समय का राजनीतिक गतिविधि क्या था? देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ना, नहीं कि गोरे अंग्रेजों से 60 रुपया चंदा चट कर जाना। रंगदारी दे रहा था सावरकर को गोरे अंग्रेज, दया याचिका, कुछ भी आप लोग एजेंडा चलाते हो। आप समझिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई। कौन था? जिन्ना की पार्टी का आदमी, जो जिन्ना, जो जिसने और हिंदू महासभा आरएसएस ने मिलकर अखंड भारत को खंड खंड किया, भारत के दो टुकड़े किए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। वो सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था देश में, तब इसने चिट्ठी लिखी कि हम इसका विरोध करेंगे। उसके एवज में रॉयल सीक्रेट सर्विस के लोगों को गार्ड की नियुक्ति दी गई। 1943 में जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब जिन्ना और आरएसएस के लोगों को, हिंदू महासभा के लोगों को गोरे अंग्रेजों ने घर फुरवा की स्थिति में, जैसे अगर विभीषण नहीं होता तो रावण की हत्या नहीं होती, अबध नहीं हो पाता, बाली अगर सुग्रीव नहीं होता तो बाली का नहीं हो पाता, ऐसे ही भारत की आज़ादी में मुखबरी करने का काम कर रहे थे। आप समझिए, महत्व धर्म और अधर्म की बात होती है, राष्ट्रहित की बात होती है, राष्ट्र विरोधियों की बात होती है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर का योगदान देश के आज़ाद नहीं होने देने की मंशा थी, और उन्होंने गोरे अंग्रेजों से बात की। और आपको एक बात बता दूं, दो दो विश्वयुद्ध का विजेता, आज जिस तरीके से वर्ल्ड में अमेरिका सुपर पावर है, उस समय ब्रिटेन हुआ करता था। अमेरिका, जापान, चाइना जैसे देश ब्रिटेनों के गुलाम थे। जो देश दो दो विश्वयुद्ध का विजेता था, वो देशों को, उन देश को हराने वाला भारतीय है। जब भारतीयों का दिमाग सटक जाता ना, जब अपने पे बन पाती ना, तब सात समुंदर पार खदेड़ दिया जाता है, तो इनके जो नजायज दलाल और मुखबिर हिंदुस्तान में हैं, इनको भी खदेड़ दिया जाएगा। संकेत जी, आज के जो युवा है सावरकर को और गोडसे को आइडल मांगते हैं, उनके बारे में क्या कहते? देखिए, ये युवा नहीं मानते, युवा में तो मैं भी आता हूँ, मैं कौन सा नरेंद्र मोदी जी की तरह बुजुर्ग हो गया? आप बताओ ना, युवा नहीं मानते, चंद लोग, उस समय भी पूरी भारत आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, उस समय भी लोग भारत गार्ड की नौकरी कर रहे थे, जमींदारी, राय बहादुर ये सब बन रहे थे। जो जमींदार कौन था? जिसको गोरे अंग्रेजों ने अपने पालतू बना रखा था इंडिया में, कोई गोरे अंग्रेज आता था आपसे लगान लेने? उसी तरीके से ये कुछ अंधभक्त हैं, समझिए, ये देशभक्त नहीं है, और ये गला फाड़ फाड़ के कहते हैं देश की आज़ादी में एक भी आदमी का नाम बताइए ना भाई, क्यों नहीं कह रहे? तो जब डिबेट होता है टीवी चैनलों में, जिसके पास जानकारी है वैसे लोगों को नहीं बिठाया जाता कि सवाल ये हो जाएगा। मैं एक दिन अभिज्ञान प्रकाश के शो में गया था, जहां रोहन गुप्ता जी थे और शाहनवाज हुसैन साहब थे, तीन देशों के हिंदुओं के लाने की बात की जा रही थी, बड़ी बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा था। आज देश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? आजमगढ़ की घटना पर क्यों नहीं कराते? जहां 10 वर्षीय
बालिका के साथ दरिंदगी हुई, उसकी हत्या हो गई, जब उसके परिवार वालों ने उत्तर प्रदेश के ढूंगी अपराधनाथ के रावण राज में इंसाफ मांगने गया, तो उसको पुलिस वाले कैसे गाली दे रहे, वो आपको नहीं दिखेगा। तो छुटपुट घटनाएं बोलते हैं ना बीजेपी के लोग, छुटपुट घटना। अगर किसी बीजेपी नेता की बेटी के साथ बलात्कार होता, हत्या होता, तो इसको छुटपुट घटना कहते हैं वो? अब बीजेपी वाले मोबाइल में कहते हैं तो वही उनका संस्कार है ना। बीजेपी के नेता तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बोलते हैं, अपनी माँ बहनों की गाय भैंस से तुलना करते हैं, आप उसकी बात करेंगे क्या? वो कहते हैं कब्र से निकाल कर रेप करूंगा, ये अमर्यादित भाषा। उनके तो संस्कार ही खराब है, चाल चरित्र चेहरा खराब है, देश ने देखा है ना। फिर अब आप कह रहे हैं चाल चरित्र खराब है, कहाँ, बीजेपी तो हमेशा बात करती है अच्छी से। अरे भैया आप लोग सुनिए, हैंगर रिपोर्ट अभी जो आया है, उस समय हम पाकिस्तान से पीछे हो गए, 7 पैदान और पीछे हो गए, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा, उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा कि अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर 3,000 टन हेरोइन कहाँ से आया। आप उस पर चर्चा नहीं कीजिएगा कि चाइना बार बार आती है और हमारे फौजियों को, अभी चाइना की घटना आपने देखा, वीडियो वायरल हो रहा ना, तो क्या है, उस पर चर्चा नहीं हो, ये सब है। सुनो, अरे सुनो तो सही, के मामले में कई चर्चा होती है तो आप कहते हैं कि धर्म देख के टारगेट किया जाता है। अडानी कौन है? अरे भैया अडानी के बाप का नाम अगर खान के साथ जुड़ा होता तो अडानी पर कार्रवाई होती, अभी क्यों नहीं हो रहा, क्यों प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। जब मैं वही बात कह रहा हूँ, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर उसके दोस्त के पास होने के सबूत पर आप समझिए, तो वो घोसावी कौन है, भानुशाली कौन है, आप हमको बता दीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता के NCP में शामिल हो गए, आप बताओ ना, आप उस पर नहीं बात करते कि भानुशाली कौन है, KP घोसावी कौन है, बात उस पर करो ना। जब उसके दोस्त के आधार पर आर्यन खान को सजा हो सकती है, तो अडानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, और कहाँ 5 ग्राम, कहाँ 3,000 किलो, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उठा रहे हैं कि आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर, कि आर्यन खान के साथ को गलत गिरफ्तार किया गया, इसको क्या कहना है? बिल्कुल सरासर गलत हुआ। अगर वो किंग खान के बेटे नहीं होते, उनके नाम के साथ खान शब्द नहीं होता, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं खान होती। की बात नहीं, अगर या अरे सुनिए ना, अगर वो आज BJP ज्वाइन कर ले बरी हो जाएगा, वो भाजपा में शामिल हो जाए, जैसे ज्योतिराज सिंधिया का पाप धुल गया, सबका पाप धुल गया ना, तो क्या BJP में शामिल हो जाएंगे? अब ये तो वही बताएंगे, मैं कैसे बताऊं, ये चीज है ना। एक ड्रग्स की पार्टी करने वाले को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो कोर्डियल क्रूज, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, कोर्डियल क्रूज जहाज, जब जहाज जहाँ जिस समुद्री तट पर है, तो क्या वहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे, जांच पड़ताल नहीं हो रही थी? तो उस जहाज में जब 1,000 से अधिक आदमी थे, तो क्या अकेला वो शाहरुख खान का बेटा ही था? वो KP घोसावी और भानुशाली को पता था कि ये उनके दोस्त हैं, ये वही चीज हैं, ये एक बहुत बड़ा, अरे सुनिए ना, आप उस पर काहे नहीं बोलते, आप भारतीय कॉमेडियन का पति और इसको कैसे जमानत मिल गई, कंगना इसका आपने सुना होगा ना, रणबीर कपूर, दीपिका वगैरह सबका, कंगना वगैरह का, कई फिल्म सेलिब्रिटी थे, जिसने स्वीकार किया था, तो उसको क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये मुदेखल पंचायती कहते हैं मुख्य, माने अपने आपसे तो बात चलेगा, कानून देश का एक है और एक संविधान से चलेगा, तो जब अगर शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अडानी के पोर्ट पर 3,000 टन हेरोइन होने के आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि आर्यन खान को जो सजा मिली है वो शाहरुख खान का बेटा होने की सजा मिली है? बिल्कुल, शाहरुख खान का बेटा होने और मुसलमान होने का दंश आर्यन खान को झेलना पड़ रहा है।